अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, लव बर्ड बैठक में शामिल। सबर इस फील्ड में कितना अहम? सबर इतना ही अहम है जितना किसी बछड़ी के लिए पानी। सबर की ज़रूरत आपको हर स्टेज पर पड़नी है। आपने बर्ड बाय किया है, पहले तो आपको बर्ड मिलता है, ये सबर है। बर्ड मिल गया, आपका बर्ड पेयरअप नहीं होता, सबर है। आपका बर्ड पेयरअप हो गया है, बॉर्न हो गया है, ब्रीड नहीं करता, सबर करना पड़ना। सबर के अलावा कोई चारा नहीं। आपके पास ब्रीड आ गई है, अनफर्टिलिटी आ गई है, गेटिंग शेल आ गया है, चिक्स एक्सपायर हो गई है, सबर। चिक्स रेज हो गई हैं, सेल्फ हो गई हैं, सेलिंग नहीं होती, सबर है। तो सबर की आपको हर नहज पे ज़रूरत पड़नी पड़नी। जो तो अपने सीने पे बर्फ के ब्लॉक रख के उसको बर्दाश्त कर सकता है, वो इसको जो है वो इस जो बर्ड्स ब्रीडिंग की जो हॉबी है इसको इन्जॉय करेगा, इस बिज़नेस को इन्जॉय करेगा। दूसरे जो है वो इसको उतना इन्जॉय नहीं कर पाएंगे जितना ये मज़ेदार काम है। मैं सिर्फ और सिर्फ यही कहता हूँ और कहता रहूँगा कि सब्र लेते हैं अपने अंदर, पेशेंस लेते हैं, वल्लाहु मा साबिरीन, अल्लाह पाक सब्र करने वाले के साथ है। शॉर्ट टेम्परामेंट के मालिक ना बने। जब आप शॉर्ट टेम्परामेंट के मालिक बन जाते हैं, आपकी ज़िंदगी से सब्र ख़त्म हो जाता है। इन एनी सेंस ऑफ योर लाइफ, ज़रूरी नहीं कि ब्रीडिंग की भी मैं बात कर रहा हूँ, ब्रीडिंग के अलावा भी आपके बिजनेस में, आपके फैमिली रिलेशन के अंदर, आपके बच्चों के साथ, आपके स्टडीज़ के अंदर, आपके एग्ज़ाम्स के अंदर, आपकी प्राइवेट लाइफ है, आपकी एक निजी ज़िंदगी है, उसके अंदर इस चीज़ की आपको ज़रूरत पड़नी ही पड़नी है। आप सवाल ये पूछे तो मुझे मज़ा आना था कि सब्र इस फील्ड में नहीं, इस बर्ड्स हॉबी में नहीं, लाइफ में कितना अहम है। ये इतना ही अहम है जितना मछली के लिए पानी। जो सब्र नहीं कर सकता वो कामयाब नहीं हो सकता, सिंपल। रेस का गिर जाना कोई बड़ी बात नहीं, नई म्यूटेशन का आ जाना, पुरानी का थोड़ा डाउन चले जाना कोई बड़ी बात नहीं। बेसब्रा होके उतावलेपन के अंदर लोग हॉबी छोड़ जाते हैं, उसको वाइंड अप कर देते हैं, ख़त्म कर देते हैं। तो जज्बाती फैसले हमें बहुत दफ़ा गलत डगर पर ले जाते हैं। सब्र का साथ ना छोड़ें, सब्र से काम करें, ब्रीड करवाएं, नंबर पे फोकस करें, क्वालिटी पे फोकस करें। क्वालिटी में आप ब्रीड करवा रहे हैं, नंबर ब्रीड करवा रहे हैं, किसी किस्म की कोई टेंशन आपको नहीं आती, अल्हम्दुलिल्लाह। सब्र का साथ ना छोड़ें, बाकी फतेह है।